तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख रहे हो ग्रैंड विटारा। तो आज के इस ग्रैंड विटारा के ओनरशिप में आपको बताएंगे कि एक ग्रैंड विटारा जो एक मतलब एक नया सेगमेंट, एक नई गाड़ी इन्होंने क्रेटा राइवल कह सकते हो आप, उसमें इन्होंने निकाली है। तो इसका क्या है कि क्यों ली, क्या सारी चीज़ें रहीं, तो वो सब जानेंगे आज भैया से। तो इस ओनरशिप को पूरा देखना, और एक बार थैंक यू, 1.39 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से 2K कंप्लीट करवाओ, ठीक है? तो 2K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करो। तो अब चलते हैं अंदर और ओनरशिप जानते हैं पूरा क्या रहता है। आज है अपने साथ में वरुण भैया, ये गाड़ी इन्हीं की है। तो आज इसके इस ओनरशिप में इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि क्या, क्यों ये गाड़ी भैया ने परचेज। भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। और तो अब इस गाड़ी पे आ जाते हैं, ये गाड़ी आपने कब ली, कब परचेज किया इसको? ये अनमोल अभी हमें 1.5 महीने हो गए लिए हुए। अच्छा, 1.5 महीने हो गए। तो 1.5 महीने में आपने लगभग इसको कितना चला दिया है? ये अभी ये आसपास ये 3,000 किलोमीटर के आसपास आ रही है। 3,000 किलोमीटर इसके भी सिर्फ एक सर्विस हुई है, वो 1,000 किलोमीटर अच्छा, होती है। 1,000 किलोमीटर बस, केवल एक सर्विस हुई है, उसके अलावा एक सर्विस ये कितने की पड़ी थी लगभग? ये भी कंप्लीट हमें पड़ी थी ये 13.5 की। 13.5 की। तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये सिग्मा है। सिग्मा है। इसमें हमने कुछ अलग से काम भी करवाया था। क्या, जैसे कि क्या क्या काम करवाया था? अलॉयज करवाए थे इसमें। अच्छा अच्छा। म्यूजिक सिस्टम करवाया था। अच्छा। और सीट कवर करवाए थे। ये सब अपने मन के हमने करवाया। हाँ, मतलब जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें आपने इसमें करवाई थी। आप और कौन कौन सी गाड़ी देख रहे थे इसको लेने से पहले? चॉइस में तो हम हाइराइडर भी देख रहे थे। अच्छा। हाइराइडर पे भी हम गए थे, जो ये ब्रीजा जो नया मॉडल वाली आई थी। जी जी। ब्रीजा चूंकि अब ये कह लें कि हमारी हाइट के हिसाब से काफी छोटी हमें लग रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा बैठने में जो हेड स्पेस है, हेड स्पेस इसकी वजह से। और हम कानपुर में हाइराइडर देखने गए थे, उसी समय नेक्सा शोरूम में ये गाड़ी खड़ी हुई थी बाहर। अच्छा, इसका टॉप वेरिएंट खड़ा था अल्फा। अल्फा तो ये इतनी ज्यादा इसने इम्प्रेस कर दिया। फिर थोड़ा सा गूगल वगैरह किया, थोड़ी जानकारी ली इसके बारे में, तो हमारे मतलब किया ठीक है गाड़ी। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप ब्रेजा देख रहे थे, तो ब्रेजा इसलिए हाईराइडर जैसे बात करते हैं, हाईराइडर वो टोयोटा में आ जाती है। टोयोटा की सर्विस बेस्ट मानी जाती है। हाँ, मतलब इंजन तो यही है, लेकिन मतलब सर्विस के मामले में टोयोटा ज्यादा अच्छी हो जाती है, मारुति से भी अच्छी उसकी मानी जाती है। तो सर्विस मतलब इसके पहले आप कौन सी गाड़ी ओन कर रहे थे? हमारे पास एक क्रेटा है और। अच्छा, एक क्रेटा वो भी हमने साल भर भी चली थी गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हुंडई आप एक्सपीरियंस कर चुके हो? हाँ, मेरे पास है अभी ऑलरेडी। अच्छा है, मतलब कर रहे हैं आप एक्सपीरियंस? हाँ, मेरे पास है। ओके ओके। अभी साल भर पीछे लिए। अच्छा अच्छा। तो हुंडई का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब उसको कितनी चला दिया लगभग? वो इसमें चल गई होगी करीब, हमें लग रहा है 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर जब से ये आई तब से मिसेज चल रहे हैं। हाँ, वो उसकी रनिंग कम हो गई होगी, हमने देखा नहीं सही से। इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है? बढ़िया है, आप देख चुके हैं इसका रिवर्स। ये देख सकते हो, बाहर से लगवाया हुआ कैमरा है, लेकिन ये जो है ठीक है कैमरा, मतलब इसका मतलब दिख जाता है कि पीछे पीछे करने में सही है। सारे नंबर प्लेट नंबर आ जाते हैं सब। जी अच्छी। अच्छा, एसी का रिस्पांस कैसा लगा इसका? एसी हमें लगता है कि क्रेटा से कुछ हल्का है। क्रेटा से हल्का है, कुछ हल्का है, क्योंकि लेकिन ये है कि कूल करती है, ज्यादा टाइम लेती नहीं। लेकिन अब हमारे पास जो कि इंडोर गैरेज है नहीं, बाहर खड़ी रहती है, तो ये ऑब्वियस है कि हीट पे तो गाड़ी वैसे भी होगी, वो तो गैसेस बन जाती है अंदर, तो थोड़ा सा टाइम ये हो सकता है, यही कारण हुई अभी हम सही से इसको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि तो जैसे ये मारुति ने इसको क्रेटा के ही उसमें निकाला था, है ना, एक तरीके से कहा जाए, इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आता है। क्रेटा भी आपके पास अच्छी खासी, वो भी बड़ी है, ये भी आपने क्रेटा के ही सेगमेंट वाली गाड़ी ले ली एक तरीके से। तो जब क्रेटा चलाते हैं और इसको चलाते हैं तो क्या डिफरेंस लगता है? स्टीयरिंग ज्यादा स्मूथ है क्रेटा का। अच्छा, स्टीयरिंग मतलब उसका लाइट लगता है। जो मेजर ये हमें लगा है, जो मेजर डिफरेंस लगा है, ये लगा है जो स्टीयरिंग है, वो स्टीयरिंग का जो मूवमेंट है बहुत स्मूथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब क्रेटा का स्टीयरिंग इसके मुकाबले, जो क्रेटा चला के इस पे बैठेगा हाँ, तो वो क्रेटा पे पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सीधे मान लीजिए इसी पर आया हो, इसी को चला रहा हो, क्रेटा पे कभी ना बैठा हो हाँ, या हुंडई गाड़ियां नहीं कह सकते, चूंकि गाड़ियां नहीं है क्रेटा मेरे पास। तो अगर कंपैरिजन इन दोनों में करेंगे तो फिर क्रेटा को ही नंबर दिए जाएंगे। क्रेटा को ही नंबर, मतलब स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा सा
इसका पीछे है, खराब नहीं है, खराब नहीं हम कह रहे हैं, मतलब उसके क्रेटा के इससे जिसने एक्सपीरियंस कर लिया होगा उसके ड्राइव, उसके बाद अगर इस पे आएगा तो फिर वो जाएगा उसी पे, मतलब क्रेटा पे ही चला जाएगा। इसका क्या हार्ड ज्यादा लगता है? हाँ हाँ, लेकिन बात एक स्मूथनेस की सिर्फ एक है कि जो चीज उसमें लगती है कि बहुत एकदम हवा में चल रही गाड़ी, बिल्कुल लाइट है, बाकी स्पीड बड़ी अच्छी इसकी है, अच्छा, कंट्रोल बहुत अच्छा है। बाकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया गया, तो अपने हिसाब से आप अपना ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी तक हमने एज इट इज जैसे भी हम लेके आए वैसे ही चल रही है, अभी हमने इसको यूज नहीं किया है। तो इससे ये है अगर आपको मतलब वैसे वीली मारना जाम वाली कंडीशन फंसे तो उसमें ये काम करता ज्यादा फिलहाल हमारे साथ। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी आता है यहाँ पे अपना, जिससे आपकी एवरेज जो है थोड़ा सा बढ़ जाती है। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज आप इससे कितना निकाल लो अभी? अभी तो ये भाई हमें लग रहा है अनमोल जी की अप्रोक्सीमेट ये 15 के आसपास है, 15 से ऊपर तो नहीं है, 15 से ऊपर नहीं है अभी, नहीं है 15 से ऊपर, इसलिए कि अभी हमसे तो ये कहा गया था जब दूसरी सर्विसेज की हो जाएगी तो इसके एवरेज में फर्क आएगा। अच्छा अच्छा, अभी तो ये पहली सर्विस हुई है तो 5000 पे दूसरी होगी, तो अच्छा अच्छा 2000 किलोमीटर अभी और चलनी है, अभी 2000 और चलेगी। और नई गाड़ी में एवरेज उतनी जल्दी देती भी नहीं है गाड़ी, मतलब थोड़ा सा इंजन को स्मूथ होने में और बाकी सारी चीजों में टाइम लगता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एवरेज, लेकिन 15 का भी दे रही है तो बहुत सही है। फिर 14-15 हमने देखा है। एक चीज और भी है, अभी तक हम जब से ये गाड़ी लेकर आए तब से ये भी इसने लॉन्ग जर्नी नहीं की। अच्छा, किसी एक्सप्रेस पे हम नहीं गए, एनएच पे हम 200-400 किलोमीटर नहीं गए, अभी हम अराउंड उन्नाव ही है, मतलब यहीं पे चल रहे हैं, घर से यहीं कहीं आसपास कानपुर चले गए जैसे लखनऊ के चक्कर हो गए, तो इतने में ही है। तो भी एक जो एक लंबी ड्राइव है भी वो नहीं ली है, ये भी कारण हो सकता है। बाकी लंबी ले लेंगे तो थोड़ा सा जो है इंजन और अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल अगर आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो इस गाड़ी को, क्रेटा जैसे आप चला रहे हो, क्रेटा आपके पास है, तो क्रेटा से इसमें आप क्रेटा को क्यों कितने नंबर दोगे और क्यों उसमें नंबर दोगे, इसमें मतलब दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या मतलब? भैया देखिए दो मेजर डिफरेंस है, एक तो एवरेज, ठीक, क्रेटा का एवरेज बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी वो गाड़ी 20 से कम देती नहीं। अच्छा अच्छा, पेट्रोल है, डीजल है? अच्छा, वो डीजल, ये पेट्रोल है। हाँ ठीक है, और दूसरा स्टीयरिंग। अच्छा, अगर आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को रेट करना हो अभी तक जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा तो कितना रेट करेंगे आप? भाई हम तो ये करेंगे, हम तो चूंकि जब अपने मन से ही गाड़ी लेकर आए थे और बिल्कुल अपने पसंद से लेकर आए थे, हम तो चाहेंगे पूरे नंबर दे दें, लेकिन ये है कि अगर कंपेयर कर रहे हैं हम क्रेटा से तो वो दो जो डिफरेंस है उनकी वजह से दो नंबर काटे देते हैं इसके। अच्छा अच्छा, मतलब 8 तो, हाँ 8 नंबर देते हैं क्योंकि एवरेज में ये उससे पीछे है और जो उसकी एक स्टीयरिंग कही है बार बार वही हम कह रहे हैं, स्मूथनेस जो स्टीयरिंग उसकी है वो उस लेवल तक इसमें नहीं है। जी जी, बिल्कुल समझ गए समझ गए समझ गए। अच्छा, आप 5 लोगों को बिठाया आपने इसमें? 4 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, तो जैसे बीच में हम्प है तो अब 5 लोग बिठाया नहीं तो बीच वाले से तो कुछ उसे बेकार है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये मतलब लीन बॉडी के हैं या बहुत मतलब हैवी बल्कि लोग नहीं तो फिर आराम 3 लोग आराम से आ जाएंगे, कोई इसमें बहुत समस्या नहीं आएगी। टोयोटा हाई राइडर आप देख रहे थे, तो हाई राइडर में भी सेम इंटीरियर है ना, बिल्कुल सेम ही आता है एक तरीके से, है ना, इंजन भी सेम है। तो वो कितने की पड़ रही थी उसमें जो आप मॉडल ले रहे हैं? ऐसा है अनमोल भाई, हम सिर्फ 2 बार उसके शोरूम में हैं। अच्छा, और हमने उसके कोटेशन तक नहीं ली थी। हमने आपसे बताया कि ये गाड़ी हम चूंकि देख मतलब थोड़ा सा एक थे कंफ्यूजन में थे, हाइडर थी हमारी चॉइस, लेकिन साथ में जो ब्रीजा एक आई थी सीटी नए मॉडल जी 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 वो भी देख रहे थे, लेकिन वो हमारे हिसाब से बड़ी वो हाइट के हिसाब से हाइट की वजह से थोड़ी लग रही थी। मैं क्योंकि क्रेटा हमारे पास है उसका एक्सपीरियंस हमको है, तो फिर हम हाईराइडर पे गए, हाईराइडर पे हम ज्यादा सही से पहुंच ही नहीं पाए उसके पहले, इसका शोरूम मिल गया हमें नेक्सा का और ये इसका अल्फा वर्जन रेड कलर का बाहर खड़ा था, तो इतना इंप्रेस कर दिया इसने। वो लगभग 19-20 की पड़ती जाके आपको बिल्कुल क्रेटा के ही उसमें पड़ जाती है, तो उसमें फीचर्स भी ज्यादा आ जाते हैं, HUD आ जाता है, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, वो फुली लोडेड है, उसमें आपको पैसे काम नहीं कराना है कुछ। तो अच्छा, अगर चलाने में बात करते हैं तो चलाने में इसको कैसा मतलब पिकअप वाइज ये कैसी गाड़ी लगी आपको? पिकअप जबरदस्त है, हमने तो सेकंड गियर पे इसको उठाया है। अच्छा, सीधे सेकंड गियर पे उठाया स्टार्ट करके। अच्छा अच्छा अच्छा, उठती है अभी आपको दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, तो दिखा ही दीजिए आप, चलिए लेकिन देख ही लेते हैं। सेकंड गियर पे है अभी, 0 पे है अभी, देखना ये देखो बहुत सही, बिल्कुल मतलब सेकंड पे ही उठ के पता भी नहीं चला कि सेकंड पे ही है, ऐसा लगेगा कि फर्स्ट पे ही आप उठा रहे हो। और इंजन इसका इतना साइलेंट इंजन है आवाज नहीं कि
अच्छा क्रेटा, क्रेटा का भी साइलेंट इंजन है, मतलब हाँ, डीजल के हिसाब से उसमें भी बहुत साइलेंट इंजन आता है और इसका भी साइलेंट है, तो जो है मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों ही साइलेंट गाड़ी है हमने लिए है ना, क्या साइलेंट है लेकिन हाँ। जो कंपनी बना के जैसे दे रही है कस्टमर उसमें खुश है, मतलब फोर सिलेंडर इंजन आपको मिल रहा है, पावरफुल इंजन, मतलब सेकंड गियर पे आप जो है आराम से उठा ले रहे हो बिना किसी दिक्कत के, वही चीज बिना किसी दिक्कत के अगर सेकंड गियर पे गाड़ी उठ रही तो इसका मतलब पावर अच्छी है आपको, और बाकी फोर सिलेंडर इंजन है तो साइलेंट भी बहुत ज्यादा है। अभी एसी चल रहा है तो थोड़ी बहुत आवाज हो सकता आ रही हो, लेकिन बहरहाल अगर एसी बंद करते हैं तो गाड़ी की बिल्कुल आवाज नहीं है, आप गाड़ी में बैठे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप बैठे हो जिसमें बिल्कुल आवाज नहीं होती है ना, तो मारुति हुंडई इन्हीं सब में आगे निकल जाती है और टोयोटा टाटा इसीलिए पीछे हो जाती है क्योंकि उसके इंजन तो है थोड़ा सा आवाज कराते हैं, आपको फील कराते हैं कि हाँ पेट्रोल या डीजल गाड़ी चला रहे हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें आपको लगेगा आप पेट्रोल गाड़ी लेके ईवी की फील ले रहे हो और क्या चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ईमेल आईडी आ रही होगी उस पर आप डिटेल्स शेयर करिए अपनी, ताकि हम आपसे ओनरशिप के लिए कॉन्टैक्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ सीट।